What's up, beautiful people? Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज इस व्लॉग में मैं जाने लगा हूँ लाहौर और काफी एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे साथ रहेंगे दी अरसलान बेग, माय एल्डेस्ट ब्रदर, जिन्होंने मेरी कुत्तों वाली की है पिछली वीडियो में. तो जी शेप वगैरह बड़ी हुई है, इसको पहले खत्म करें और फिर अपना सफर स्टार्ट करते हैं. ये फुल टाइम चिकना बन चुका है आपका भाई. तो सीन अब ये है कि यार एक दो कट भी लग गए, खैर है, लेकिन कोई नहीं, इतना चलता है. यार ये सीन है कि मुझे ड्रेसिंग का ही नहीं पता कि मैंने ड्रेसिंग क्या करनी है. तो खैर अभी एक छलांग मारते हैं और ड्रेसिंग डन हो जाएगी. एज यू नो आई जस्ट लव ब्लैक, सो चलो जी ड्रेसिंग चेंज करते हैं. तो चेक करा आपके भाई ने कैसे जल्दी से ड्रेसिंग की. और दिस इज माई फेवरेट हुडी. तो यू नो ये नोमी की हुडी है, तो मैंने ले ली थी नोमे. आई मिस यू ब्रो. अल्लाह की ज़्यादा आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह जल्दी आपका भाई दुबई भी आ रहा है आपके पास. ऑल डन नाउ, रेडी हो चुका हूँ मैं. तो अब किस चीज़ का इंतजार है, चलो यार गाड़ी में बैठते हैं ब्रो. नाउ वी आर इन कार एंड हमारा सफर होने लगा स्टार्ट. अभी पहले हम लोग जाएंगे उमर लोगों की तरफ, उमर को भी उठाना है इधर से, एंड देन हम लोग जाएंगे लाहौर और रास्ते में करेंगे भाई सनी से बहुत ही मजेदार बातें. यार बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया कर, बस सही रिकॉर्ड करने वाली नहीं भी होती है. नहीं नहीं रिकॉर्ड करनी है. इन्होंने सचिन, मुझे याद आया ड्राइविंग से, इन्हें तो मुझे ड्राइविंग सिखानी थी. ये भी चले मोटर पे चल जाए ना, थोड़ा सफर स्टार्ट हो जाए फिर करते हैं बात. जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोटर पे और यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं अरसलान भाई, जो की बड़े प्यारे लग रहे हैं ड्राइविंग करते हुए. लेकिन यार भाई आपकी बात बताऊं, अगर पीछे कुछ 5 महीने पहले जाया जाए तो आपने कुछ वादा किया था मेरे से, उस वादे का क्या जवाब देंगे जी? आप जवाब दें जरा. पहले तो वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, सेकंडली मुझे वादा तो याद कराओ कौन सा वादा. सो जी मैं और भाई सनी व्लॉग बना रहे थे और फातिमा ने रोना स्टार्ट कर दिया. फातिमा जैसे रो के दिखाओ. फातिमा बेचारी इतनी बोले, इसको रोना भी नहीं आता, एक्टिंग भी नहीं करनी आती. चाचू की भतीजी है तू, शहरी चाचू की, एक्टिंग तो करना सीखो बेटा. कोई नहीं जी, अभी 5-10 मिनट बाद अपनी डिस्कशन दोबारा कंटिन्यू करते हैं. ओके ओके. इस व्लॉग के अंदर हम लेंगे भाई सनी से कुछ इन्फॉर्मेशन, जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. भाई सनी जो हमारे मुल्क की कंडीशन चल रही है, हमारे मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है यार? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट? सबसे पहले तो यार अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर और अल्लाह करे कि हम लोग उस सूरत हाल जिसकी लोग प्रेडिक्शन और फोरकास्ट कर रहे हैं वो ना हो. लेकिन जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं कि लग क्यों रहा है कि शायद हमें खुदा ना खास्ता सूरत अकेला जा रहा है. हम सियासी बात नहीं करते, जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है. मैं आपको टेक्निकली ये बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कि हम लोगों की बेसिकली रूट कास्ट क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. यार आपको पता है ये अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई थी, 7 लाख मतलब पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं वो बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए, मतलब मूव करके पाकिस्तान से. देखे ना कि ये कितना बड़ा लॉस है इस कंट्री का. एक कि आप पूरे 8 लाख टैलेंटेड लोग जिसमें मास्टर्स, पीएचडी, डॉक्टर्स थे, सीए, सीएफएस क्वालिफाइड लोग थे, जो लोग के पाकिस्तान में हैंड्स अपनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, वो ब्रेन ड्रेन भी कि यहाँ से वो लोग यहाँ से वो निकल के और वो बाहर चले गए, वो दूसरे मुल्कों को सर्व करेंगे, हमें वो लोग नहीं करेंगे सर, वो वहाँ जाएंगे, वो मुल्क तरक्की करेंगे हमारे मुल्क. इस तरह से ही जो भी मजीद लोग हैं वो इसी कोशिश में है और ये चाह रहे हैं कि हम लोग ये मुल्क छोड़ के हम चले जाएं. तो मैं बात कर रहा था कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम असल में क्या है, प्रॉब्लम क्या है. शरी मसला ये कि हम किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो डिपेंड करती है उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर. बिल्कुल. कि एक्सपोर्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे चीज़ें बना के यहाँ से बाहर बेच रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है उससे हो क्या रहा होता है कि यहाँ से जब आप चीज़ें बना के बाहर बेचते हैं किसी दूसरे मुल्क की, तो वहाँ से आपको डॉलर्स आते हैं, पैसा आती है, आपके मुल्क में पैसा आता है. और दूसरा सोर्स होता है आपको रेमिटेंसेस आती हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो आती है. अब हम लोग
को मसला ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त चूंकि हम लोग एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, इम्पोर्ट हो जा रहे हैं, इम्पोर्ट हम करते जा रहे हैं। अगर जैसे कि आपको पता है आजकल हम जैसे ही कोई दुकान पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, हम कहते हैं कि यार हमें इम्पोर्टेड चीज दो, शॉपिंग के लिए जाते शॉपिंग के लिए जाएं, हम किसी भी चीज के लिए जाएं, हम चाहते हैं कि यार हमें इम्पोर्टेड चीज मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लेवल बनाया हुआ है, क्वालिटी बनाई हुई है, अवेलेबिलिटी होती है उसकी ज्यादा। लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोगों को प्रोडक्शन खुद करनी पड़ेगी, अपने मुल्क के अंदर करनी पड़ेगी। हमारे मुल्क की अपनी जब तक कि हमारी लोकल इंडस्ट्री स्ट्रेंथन नहीं होगी, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसको ब्रीफ करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैं इसको आपको सिर्फ शॉर्टली ये बताता हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, कि मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स और FDI एंड ऑल दैट। अब क्या है कि हम लोग पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स करते हैं 5 रुपये की, इम्पोर्ट करते हैं 20 रुपये की। रेमिटेंसीज, FDI और डिफरेंट डॉलर्स की पाकिस्तान में आमद की मद में हम लोग 5-7 रुपये और बना लेते हैं। तो हाइपोथेटिकल फिगर है, हम लोग टोटल 20 रुपये के पैसा बाहर भेज रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर कितना आ रहा है, 10 या 15 डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं, 20 डॉलर हम बाहर भेज रहे हैं। अब ये कैसे होगा कि हम लोगों ने अपने मुल्क से डॉलर्स बाहर भेजने हैं तो मुल्क में डॉलर्स नहीं है, उस पर क्या होता है कि हमारे पैसे के ऊपर, हमारा जो रुपी होता है लोकल करेंसी, उसको प्रेशर पड़ता है, वो डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा डेप्रिशिएट कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हमारे पैसे की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ये इन्फ्लेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, और फिर वो ये कि लोकल कॉस्टिंग जो सी है वो एक्सपेंसिव, डॉलर बढ़ता है तो इम्पोर्टर जो होता है ना उसकी कॉस्टिंग महंगी हो जाती है, वो चीज़ महंगी खरीदता है या महंगी बेचता है। अब जो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, उसके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, वो इवेंचुअली लोगों को निकालना शुरू कर देता है कि जी नौकरी से निकालता है क्योंकि उसका खर्चा बढ़ रहा होता है। सारी स्टोरी गेम ये है। अच्छा, ये तो होगी आपको टेक्निकल, जी मैं बताया कि टेक्निकल ये है। शेरी, हमारे मुल्क के अंदर और भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं यार। देखो ना, अगर मुल्क में पेट्रोल सस्ता होता तो आज मुझे आप गाड़ी सिखा देते। अभी तक मैं इस तरह तो ना फिर रहा होता। जब भी कोई बंदा पूछता, कोई दोस्त पूछता, मैं आगे से कहता हूँ यार रिवर्स नहीं करनी आती, बाकी मैं चला लेता हूँ। वो भी इन्होंने नहीं सिखाई, वो भी मैंने किसी दोस्त से सीखी थी। अब बताए ना यार, देखे ना, ये तो बात मेरे ऊपर आ गई घुमा फिरा के। तो यार तुम्हारे किसी ने हाथ पकड़े हैं तो यार देखो ना मेरी सुनो बात, पेट्रोल महंगा हो गया ऑब्वियसली। अब ये मुझे कह रहे हैं कि जनाब साजी 5,000 रुपया दे दिया कर और मैं सिखा दिया करूंगा, ये ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, सही होता है और कैसे होता है। ये गाड़ी कितनी प्यारी देखो जरा, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, ऐसी ना ले दूं आपको तो मैं लेके देता हूं ऐसी गाड़ी। मुझे क्या जरूरत है ऐसी लेने की, मैं तो इधर मर्सिडीज सोच के बैठा हूँ और आप मुझे कह रहे हो। अब्बू से मैंने वादा किया कि मैंने यूट्यूब से डाला निकलवा के देना, आप मुझे वो उसके ऊपर लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो? डाला वो जो पेप्सी की बोतल बेचने वाला डाला होता है। हेलो हेलो, पेप्सी की बोतलें बेचने वाला डाला। हाँ जी, बिगो डाला 4X। यस, अच्छा चला था, की समझिए। अल्लाह ताला आपको यार बिल्कुल हाँ जी साथ है। तो क्या प्रोग्राम है तुम्हारे न्यू ईयर नाइट के लिए? तुमने कुछ करना? न्यू ईयर नाइट अभी तो आ रहा हूँ, लाहौर में बहुत बहुत फन करने वाला हूँ मैं, और न्यू वीडियोस में बहुत ज्यादा फन होगा। यार तुम्हें मैं एक मजे की बात बताता हूँ, इनके साथ आना, टाइम स्पेंड करना, ये सब तो एक बहाना है मुझे मेरे दोस्तों से मिलने का। ठीक है, उधर मैंने जाना है, व्लॉगिंग करनी है। यू नो आले इमरान भी है वहाँ पे, फैजी भी है, बनी भी है, और काफी मजा आने वाला है। आपको पता है इस बात का, ये बात का मैंने आपको बताया ही नहीं था। इंशाल्लाह भाई का भी सून चैनल आने वाला है। तो बाकी लव यू ऑल।